हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण। एंड माय नेम इज गॉडफ्री रोड्रिगेस। और आज हम लोग आए हैं मारगांव, जो कि गोवा में है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ शार्क्स। और हम लोग आए हैं यहाँ पर फिश मार्केट में। सर बताइए इस मार्केट के बारे में। हेलो, दिस इज ए वेरी न्यू फिश मार्केट। वी कैन सी अप, शूट अप। दिस इज द SDPDA फिश मार्केट। नाउ वी गो इनसाइड। अभी हमारे साथ गॉडफ्रे सर हैं और ये हमें फिश मार्केट दिखा रहे हैं। ओके, देन यू कैन फाइंड हियर, दिस इज वेरी बिग प्रॉन्स, टाइगर प्रॉन्स। दिस आर नोन एज टाइगर प्रॉन्स। दिस इज टाइगर प्रॉन्स है, स्क्विड्स। दिस इज स्मॉलर फिश, बंगड़ू लेव कॉल इन लोकल लैंग्वेज। दे आर स्मॉल मैकरल, बेबी मैकरल। एंड दिस इज द टंग फिश। The tongue fish, but it's smaller. इसको tongue fish क्यों कहते हैं सर? Because it resembles tongue. ये अच्छा tongue की तरह ही है। हाँ, देखने में भी वैसी ही लग रही है। जैसे जुबान हो किसी की। Shooting बता रहे हैं। YouTube video? ना सीधा करके। This is the crab. ये एक कितना मंडाइगा? Fully. Yes, Lee. जायद बच्चे आए थे। This is a very good crab. This is a female. It got eggs. Okay. देखिए इसके अंडे हैं, ये फीमेल है क्रैब। ये आप देख सकते हैं, ये अंडे हैं क्रैब के। This is a male. हाँ, जिसके थैली नहीं है वो मेल है, जिसके थैली है वो फीमेल। But this is very tasty. This is very tasty. तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे आगे है ये है शार्क, और वो भी कौन सी? ग्रेट वाइट शार्क। ये शार्क इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान को आधा एक ही बार में खा सकती है, एक ही सिंगल बाइट में। इसको थोड़ा टर्न करेंगे सर, प्लीज। गॉडफ्रे सर थोड़ा सा इसको टर्न कर रहे हैं मच्छी को। ये बहुत, इसके जो दांत होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेजर शार्प होते हैं। अब ये तो बच्चा है, मगर ये अगर कोई बड़ी मछली काट ले तो समझ लीजिए कि मांस ऐसे कटेगा जैसे कि आप कोई उबली हुई सब्जी काट रहे हैं चाकू से। तो गॉडफ्रे सर, आज हमें ये मार्केट दिखाने के लिए लेके आए हैं। These are clams, clams sorry. तीसरे उस भी call in कोंकणी, local language. ये स्टिंगरे है, और ये जो मछली है ना, ये मछली इसकी पूंछ के साथ में कांटा होता है। Here, this place. और Very dangerous. ये जो कांटा होता है ना, इसमें जहर होता है। अगर लग जाए तो जान जाना, मर सकते हो। और क्योंकि एक बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट सॉरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, वो क्रोकोडाइल हंटर थे, मगर उनकी जान इस मछली ने ली थी समुंदर में। फनी सी दिखती है ना, आप इसको अगर उल्टा देखोगे तो जोकर जैसा फेस है इसका। दिस इज द मेन फेस। रख दीजिए, आप खाते हो फिश ये? कैसे है टेस्ट इसका? बढ़िया। दिस इज टू बी मेड इन द अंबर टिक, द किंग फिश, बिगर साइज। कितना केजी? 15 किलो। इसको पकड़ सकते हो एक हाथ में आप? किंगफिश का साइज देखिए आप, है ना? इसकी हाइट कितनी होगी? तकरीबन 4 फीट के आसपास इसकी हाइट होगी पक्का, जरूर। 4.5 फीट, 4.5 feet, and you can see eyes. You can see the mouth here. It's a different fish. What is it? रहने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो। मछली का साइज देखिए और उसका साइज भी देखो।
सेम साइज सेम हाइट अरे जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। देखिए हमें कुछ और भी शार्क्स मिले हैं मार्केट में देखने के लिए, तो इन शार्क के बच्चों को देखिए गॉडफ्रे सर उठा के देख रहे हैं। साइज देखिए अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं। सर समंदर में मत जाइएगा, इनकी माँ को मालूम चल गया कि आपने इनके बच्चों को पकड़ा है, वो तो कच्चा जब आ जाएगी जरूर पकड़ेगा। देखिए ये सब शार्क्स हैं। Shark. And with this shark, you have the one of the best dishes in Goa known as ambot tik, which means sour and thicker. Very good dish we prepare in Goa. Oh, look at this. Oh man, see the size of this fish. This is a very favorite fish, Bombay duck, single bone. You just open, cut all this, and you can. इसका face दिखाइएगा sir एक बारी, थोड़ा सा. अरे देखिए. Very sharp teeth. You can get a cut. Teeth है. You can get cut yourself. See here. अगर इसको आप touch करोगे तो आपका हाथ कट सकता है. Yes. और ये जो fish है ना, ये इसको सुखा के भी बेचा जाता है मार्केट्स में, गोवा की मार्केट्स में यही फिश आपको दुकानों में काफी सारी दुकानों में ड्राइड भी मिलेगी। देखो अब बताइए क्या है। दिस इज मनी, दिस इज मसल, इट इज फाउंड इन डीप सी, डाउन इन द सी, and it is always covered with a ye oyster ke jaisa hai nahi, not oyster, this is different. You open this wait let me show you and this is the thing that you get inside the mussel. You take it out, you can put masala, you can rava fry, many different thing. You can also prepare dishes. This fish. This is the same little. This is the muscle from inside. She's taken out. Show her. The rib taken out. Very easily can be removed. This is a tongue fish. Tongue fish की skin remove करने के बाद वो ऐसी ही दिखती है। एक मिनट सर थोड़ा दिखाइएगा प्लेट। उसकी स्किन रिमूव करने के बाद वो ऐसी नजर आती है। गॉडफ्रे सर आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आप तो ये इनका जो है छिलका निकालने में बहुत अच्छे हैं। वेरी इजिली कैन बी रिमूव्ड, वेरी इजिली। Then you cut this out.
हेलो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको अंगूठा छाप लगाइए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन थी ये गोडफ्रे भाई को मैंने दी थी, तो लाइन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अंगूठा लगा के लाइक ज़रूर कीजिए और घंटा दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए लाइक बटन और शेयर बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा।